जब तक कलिंग मेरे साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनेगा, मेरी विजय अधूरी रहेगी। महाराज, हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है। आज इतिहास लिखा जाएगा। महाराज, मेरा पूरा परिवार इस युद्ध में समाप्त हो गया। मेरी विजय ने कितनों की जिंदगी छीन ली। आज से मेरा शासन तलवार से नहीं, धम्म और दया से चलेगा। कलिंग के युद्ध में एक योद्धा मरा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो टॉपिक है वो है AI के अकॉर्डिंग आप किस तरह से अपनी स्टोरी को बिल्ड कर सकते हो। एंड देन जो आज मैं बताने वाला हूँ वो नरेशन स्टाइल में नहीं है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो है कम्प्लीट डायलॉग डिलीवरी आप कैसे कर सकते हो अपने वीडियो में। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। एंड देन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ AI, वो भी आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ करने वाला हूँ। तो ये जो होगा वो डायलॉग के अकॉर्डिंग हम लोग स्टोरी बिल्ड करने वाले हैं। तो इससे भी आप अपने AI से आप कुछ भी बना सकते हो, लाइक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, किसी स्टोरी को बिल्ड कर सकते हो, मीन्स किसी भी तरह की आप AI जनरेटेड वीडियोज़ बना सकते हो। तो चलिए इस तरह चलते हैं, देन देखते हैं कि किस तरह से हम लोग AI स्टोरी बिल्ड सकते हैं, वो भी डायलॉग के साथ। तो चलिए इस तरह चलते हैं अपने कंप्यूटर में। तो सबसे फर्स्ट आपको करना है क्या है, आपको एक स्टोरी सोचनी है। एंड देन आप ChatGPT को ओपन कर लो। अब जैसे मैं यहाँ पे जो स्टोरी मैंने सोचा है वो ग्रेट अशोका के बारे में है। तो मैं अशोका के बारे में ही कुछ स्टोरी को मैंने यहाँ पे मैं चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया शॉर्ट स्टोरी अबाउट ग्रेट किंग अशोका। ओके, तो मैंने यहाँ पे ग्रेट अशोका के बारे में मैंने स्टोरी मैंने सर्च किया जो कि वॉर एंड पीस के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए था। तो मुझे यहाँ पे कुछ स्टोरी मिल गया कुछ इस तरह से। फाइन, तो मैं क्या करूँगा, एक बार मुझे एक स्टोरी मिल जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, उस स्टोरी को कॉपी करके फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्रॉम्प्ट जनरेट करने वाला हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्रिएट प्रॉम्प्ट। ओके, तो मैंने क्रिएट प्रॉम्प्ट कर दिया विथ डायलॉग। तो मुझे जो चाहिए था वो क्रिएट प्रॉम्प्ट विथ डायलॉग चाहिए था। तो मैंने क्या किया, इसको ले लिया। तो मुझे चाहिए था क्रिएट प्रॉम्प्ट स्टेप बाय स्टेप विथ डायलॉग। तो मैं यहाँ पे लेकर मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। तो अभी जो स्टोरी बनेंगे ना वो हमारा प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग बनेगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा बनना स्टार्ट हो गया है, प्रॉम्प्ट जो क्रिएट हुआ है वो पार्ट बाय पार्ट हो गए हैं। अब इसी को लेकर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा AI में। तो अभी मेरा प्रॉम्प्ट बनना स्टार्ट हो गया स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ओके, तो ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ कि ये जो स्टोरी मैंने बनाए हैं वो हिंदी में आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हिंदी डायलॉग को मैं लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो अभी जो मुझे स्टोरी मिलेंगे ना वो कम्प्लीटली हिंदी में मिलने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक दृश्य 1 है, दृश्य 2 है, एंड देन वो आपको डायलॉग भी दे रहा है अशोका के अकॉर्डिंग। उनके डायलॉग्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको सारे चीज़ मिल जा रहे हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। अब मुझे करना है क्या, देखो एक बार जब आपको डायलॉग भी मिल गया हिंदी में ना, तो अभी मुझे यहाँ पे कैरेक्टर बिल्ड करना है प्लस एक्शन बिल्ड करना है, दो चीज़ मुझे चाहिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेक कैरेक्टर एंड डायलॉग सेपरेट मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, मेक कैरेक्टर एंड देन डायलॉग सेपरेट कर दिया है। तो अभी आपको क्या होएगा, सबसे फर्स्ट आपको अशोका के जो कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, राइट, कि वो कैसे दिखने वाले हैं, मस्कुलर दिखेंगे, हाइट कैसे रहेंगे, सारा कुछ मिल जाएगा उनके बारे में। तो सबसे फर्स्ट मुझे इसी को कॉपी करने है, राइट, बिकॉज ऑफ कि मुझे फर्स्ट इमेज जनरेट करना है अशोका के बारे में। तो मैंने क्या किया, अशोका के जो कॉपी कर लिया मैंने उसके प्रॉम्प्ट को, उसके जो मुझे उनके इमेज बनाने हैं, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट हाई रेजोल्यूशन या अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन, आप लिख दो कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे इमेज जनरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन। ओके, क्रिएट अल्ट्रा हाई क्वालिटी या रेजोल्यूशन आप कर सकते हो इमेज क्रिएट। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड देन पेस्ट कर दिया, जो अशोका के कंप्लीट कैरेक्टर्स जो थे उनको मैंने पेस्ट करके यहाँ पे इमेज को मैं जनरेट कर ले रहा हूँ।
तो सिंपल सा आप क्लिक करो एंड देन इमेज को जनरेट कर लो यहाँ पे। सी तो मुझे अशोका के मिल गए हैं कैरेक्टर कुछ इस तरह से, बट मुझे पोर्ट्रेट में नहीं चाहिए था, मुझे लैंडस्केप में चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, फिर से मुझे इसको लैंडस्केप में जनरेट करना पड़ेगा इस वीडियो को, आई मीन इस इमेज को। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इमेज एक बार जनरेट हो जाए अशोका के, तो आप लिख लेना है यहाँ पे 16:9 वाइड एंगल व्यू विथ इस सोल्जर वगैरह, जो भी आपको देना है ना कुछ डिटेल्स, तो आप यहाँ पे ले लेना एंड देन फिर से आप जनरेट कर दो। तो अल्ट्रा वाइड एंगल में क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा सीन को, तो आपको जो व्यूइंग एंगल है वो थोड़ा सा ब्रॉड मिलने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने वहाँ पे जनरेट किया था। तो अभी जो आपको इमेज मिल रहा है ना, वो ज़्यादा बेटर आपको मिल रहे होंगे इमेज। तो अब इसी इमेज को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लो सबसे फर्स्ट, बिकॉज ऑफ इसी से मैं इसी को मैं यूज़ में लूँगा। तो फ्लो में आपको चले जाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लॉगिन करते हो ना अपने अकाउंट से, तो आपको फ्लो में 140 पॉइंट्स मिल जाते हैं या क्रेडिट्स मिलते हैं। तो एक एक वीडियो जनरेट करने में ये 20 क्रेडिट्स ले लेता है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो कि कितना चाहिए होगा। और एक चीज़ है कि अगर आप जियो के सिम यूज़ कर रहे हो तो आपको 1000 मिलते हैं यहाँ पे क्रेडिट्स। तो 1000 क्रेडिट्स भी आप यूज़ में ले सकते हो, या फिर आप अगर लॉगिन करते हो फर्स्ट टाइम, अगर आप यूज़ करना चाहते हो फ्लो को, तो आपके 1 रुपीस कटेंगे एंड देन आप इसको ले सकते हो। 1000 क्रेडिट्स आपको दे देता है ये फ्री में, उसके बाद चार्जेस लगेंगे, बट हाँ आपके बहुत सारे वर्क्स हो सकते हैं इसके थ्रू। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो फ्लो, बिकॉज फ्लो अच्छे हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्रीज बनाने हैं और बहुत इजी वे में बनाने हैं तो फ्लो यूज़ करो, बिकॉज मैं भी फ्लो यूज़ करता हूँ अपने वर्क के लिए। जब मुझे चाहिए होता है तो मैं फ्लो ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे फ्लो में आने के बाद आपको सबसे फर्स्ट क्या करना होगा, आपको अपलोड करने है इमेज, जो मैंने जनरेट किया था इमेज ना, उस इमेज को आपको यहाँ पे जो अशोका के थे इमेज, उसको आपको अपलोड कर देना है। तो एक बार जब अपलोड हो जाए ना, तो यहाँ पे फ्रेम टू वीडियो आपको ले लेना है। सी फ्रेम टू वीडियो लेने के बाद आप यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को जनरेट कर लो, जो डायलॉग है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ एंड देन चला जाता हूँ मेरा फर्स्ट सीन पे। तो मेरा जो फर्स्ट सीन है ना, वो अशोका के जो डायलॉग्स हैं वो मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ पे डायलॉग मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अशोका के जो फर्स्ट डायलॉग हैं वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, जो मेरा दृश्य वन है, सीन वन है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कम्प्लीटली। इतना तक कॉपी कर लो आप, एंड देन कॉपी हो जाने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दो। सी तो ये पेस्ट कर देना है यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को एंड देन जनरेट कर दो। प्लस कैमरा को भी आप चाहो तो पैन कर आ सकते हो, जैसे कैमरा मूवमेंट होते लेफ्ट टू राइट या जो भी है, तो कैमरा मूवमेंट भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो आप ले लो, ज़्यादा बेटर है। जब तक कलिंग मेरे साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनेगा, मेरी विजय अधूरी रहेगी। नहीं बनेगा, जब एक बार आपका ये डायलॉग हो जाए तो आप चले जाओ डाउनलोड में जाके ना इसको अप स्केल कर दो 1080p में। मेरे साम्राज्य है तो आप ले लो, इसमें कोई क्रेडिट्स नहीं जाते हैं तो आप रख लेना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक कलिंग मेरे साम्राज्य का एक बार अब स्क्रीन हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाता है। तो मेरा सीन वन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप सीन वन को पहले कर लेना कॉपी एंड देन मैं चला जाता हूँ फिर से सीन टू में, राइट। तो मैं सीन टू को मैं क्या करूँगा, अगेन मैं चला जाता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलिंग टू का जो है डायलॉग डिलीवरी जो होने वाले हैं वो मुझे चाहिए, लेकिन फर्स्ट आपको ना इमेज क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाकर कलिंग का मैं ले लेता हूँ, मैं एक हाई रेजोल्यूशन इमेज एंड देन पहले सीन क्रिएट कर लो, फिर डायलॉग हम लोग फ्लो में जाके क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको करना है क्या, यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, मेक हाई डेफिनेशन इमेज जो भी है आप उसको ले लेना यहाँ से एंड देन यहाँ से आप कॉपी कर लो जो आपको चाहिए। क्रिएट हाई बार बार लिखने से बेटर है कि सेम चीज़ को आपको कॉपी करना है एंड देन अपने सीन टू से पहले इसको ऐड करके क्लिक कर दो। तो सीन टू से पहले मैंने ऐड कर दिया है एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आ गया है सीन टू एंड देन इसको भी आप डाउनलोड कर लेना, फाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमेज में आपको वाटर मार्क काइंड ऑफ मिलेंगे या फिर कोई टेक्स्ट मिलेगा, तो बेटर है कि आप फोटोशॉप को ओपन कर लो, बिकॉज ऑफ कि अगर आप एक बार अगर इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट आ गया ना तो प्रॉब्लम ये है कि आपको वीडियो में भी वो आ जाएंगे। तो मैं फ़ोटोशॉप में जाता हूँ सबसे फर्स्ट एंड देन यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ रिमूव टूल से, जो भी आपको अनवांटेड टेक्स्ट है ना अगर आ रहे हैं सीन पे तो आप उसको रिमूव कर दो, फाइन।
सी, तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया एंड देन कंट्रोल एस प्रेस कर दो, सेव हो जाएगा सेम जगह पे। तो सेव हो जाने के बाद इस इमेज को मैं लेके आ जाता हूँ अगेन फ्लो में, और यहाँ पे जाकर फ्रेम टू वीडियो ऐड कर लो, अपलोड कर दो सेकेंड वाला जो हमारा इमेज जनरेट हुआ था। फाइन, जो क्रॉप है आपको क्रॉप करो मत, आप उसको क्रॉप एंड सेव कर लो ऐसे ही जैसा एज इट इज़ आप इसको सेव कर लो। तो ऐड कर लो, आप अपलोड हो जा रहा है। अब मैं आता हूँ जो मेरा डायलॉग डिलीवरी है उसको मुझे कॉपी पेस्ट करने है वहाँ पे, तो मैं जाता हूँ सीन टू पे, राइट। सीन टू हो या दृश्य टू है, जो भी है हिंदी में उसको आप कॉपी करो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो सीन टू है ना उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कम्प्लीटली। आप कंट्रोल सी कर लो यहाँ से कॉपी, एंड देन फ्लो में चले जाओ। तो फ्लो में आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दो सी, एंड देन यहाँ पे एक काम और भी कर लेना है, जब भी आप कर रहे हो ना तो बेटर यहाँ पे कैमरा पैनिंग ले लो, या कैमरा पैन करने वाला जो है ना वो आप प्रॉम्प्ट डाल दो। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप कैमरा प्रॉम्प्ट आप जब भी आप सीन क्रिएट होगा ना, तो कैमरा आपको लेफ्ट टू राइट या कुछ ऐसे या जूम इन जूम आउट काइंड ऑफ होगा, तो आप ले लेना कैमरा कैमरा पैनिंग का, एंड देन आप देख सकते हो इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मेरा वीडियो हो चुका है। हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो चलो आज इतिहास लिखा जाएगा। फाइन, तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो 1 2 3 4। तो इस तरह से मैंने पूरे का पूरा मैंने जितने भी मेरे था जो मैंने बनाए थे सारे यहाँ पे मैं इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर लूँगा और हमारा जो वीडियो है वो बनकर आ जाएंगे। तो फाइनल जो वीडियो है वो मैं दिखा देता हूँ जब एक बार डाउनलोड हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा फाइनल वीडियो है वो कैसा आउटपुट आया है। तो अभी आपको प्रीमियर अब में आ जाना है। प्रीमियर में आपको जितने भी डायलॉग्स थे सारे को आपको एक 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 करके फ्रेम्स को यहाँ पे लेके आ जाने हैं। तो सारे मेरे यहाँ पे बन चुके हैं, सीन आ गया है, आपको फाइल में जाना है एंड देन इसके रेंडर निकाल लेने हैं। तो रेंडर निकलने के बाद जो मेरा मूवी है कुछ ही, तो वो कुछ इस तरह से है। जब तक कलिंग मेरे साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनेगा, मेरी विजय अधूरी रहेगी। महाराज, हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, आज इतिहास लिखा जाएगा। महाराज, मेरा पूरा परिवार इस युद्ध में समाप्त हो गया। मेरी विजय ने कितनों की जिंदगी छीन ली। आज से मेरा शासन तलवार से नहीं, धम्म और दया से चलेगा। कलिंग के युद्ध में एक योद्धा मरा। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, वो भी डायलॉग के थ्रू, एंड देन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी स्टोरी बिल्ड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, मीन्स AI से आप बहुत कुछ बना सकते हो इस तरह की चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।